हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली है काफी हटकर। आज हम बनाने वाले हैं रोटी, लेकिन इस रोटी की खासियत यह है कि हम इसे ना बेलेंगे ना आटा गूंदेंगे। तो कैसे आप बना सकते हैं 5 मिनट में परफेक्ट रोटी बिना आटा गूंदे, बिना बेलन का इस्तेमाल किए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो में छोटी छोटी सी टिप और ट्रिक दी है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी रोटी काफी अच्छी बनेगी और लंबे समय तक सॉफ्ट रहेगी। तो ये रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से बना सकते हैं या आधा मैदा या आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी लिया है। वेट में बताऊं तो 100 ग्राम है। तो नाश्ता पसंद आए तो यानी रोटी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक बड़ा साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम अपने मैदे को ट्रांसफर करेंगे और ये मैदा आपको छान कर लेना है। और जितना आपको मैदा लेना है उतना ही पानी लेना है। तो आप कोई ही बर्तन सेट कर सकते हैं। तो मैंने जिस कटोरी से मैदा डाला था उतना ही पानी डालेंगे। ये बहुत ही आम सी टिप है, लेकिन इसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। तो देखिए, उतना ही पानी हम लेंगे, ना उससे कम लेना है ना ज्यादा लेना है। और इस पानी को हम डाल देंगे इसके अंदर और अब इसमें सिर्फ 2 चीज जाएगी जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 चम्मच हम डालेंगे शुगर यानी चीनी, कुछ लोग इसे शक्कर भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब सारी चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। पानी और जो रेशो बताया है उसका ख्याल रखिएगा और इसे हम बिल्कुल अच्छे से स्मूथली तरीके से पीस लेंगे। इसको हमें ना ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत है और ना ही इसमें कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमें इसकी सारी गुठलियों को निकाल कर इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक फेंटना है। ये काम जब तक आप करेंगे तभी तक आपको टाइम लगेगा, उसके बाद आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखिए, अभी हम आपको दिखाएंगे कि बैटर कैसा होना चाहिए। तो पहले हम इसे मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और जब आप इस तरह से बैटर को डालें तो एक धार की तरह से गिरना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो देख लीजिए, इस तरह से होना चाहिए आपका बैटर, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और दूसरा चेक करने का तरीका ये है कि आप चम्मच पर देखें तो इस तरह से कोटिंग होनी चाहिए और जब आप इसे करें तो चम्मच पर यह बैटर अच्छे से लगना चाहिए। तो ये जो टिप दे रही हूँ उसे आप जरूर फॉलो करना। कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी रोटी फूली फूली सी बनेगी। तो देखिए, हमारा बैटर हो गया है रेडी। अब इसे हम 2 मिनट का रेस्ट देंगे, 2 मिनट बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो 2 मिनट कवर करके रख देंगे और फिर इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, 2 मिनट बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, हमारा बैटर अच्छे से फूल चुका है और इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आइए, अच्छे से मिक्स कर लिया है देखिए, अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक कड़छी हम भर कर लेंगे और इस तरह से हम इस पर डालेंगे और इसे बिल्कुल हल्के हल्के से इस तरह से फैला लेंगे जितनी बड़ी आपको चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा ना बड़ी बनाऊंगी ना बहुत ज़्यादा छोटी। तो इस तरह से हम अपने बैटर को डाल देंगे और 1 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे और 1 मिनट बाद ही हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड देखेंगे, 1 मिनट के बाद ये देखिए रोटी फूलने लगी है नीचे से। अब इसे हमें इस स्टेज तक पकाना है, जब ये ऊपर से ड्राई होने लगती है, इस तरह से बबल पड़ने लगते हैं, तो समझ जाइए हो गई है। तो फ्रेंड अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे 1 से 2 बूंद और इसके साइड में डाल देंगे। अगर आप विदाउट ऑयल बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसके साइडों पर इसको करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए नीचे से और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट रोटी बनेगी। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीमी धीमी आँच पर हम इसे पकने देंगे। अब हम चम्मच की सहायता से इस तरह से इसको चारों तरफ से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और देखिए ये हो गई है। अब इसे हम हाथों से पलट देंगे और दूसरे साइड पे भी थोड़ा सा तेल डालेंगे, आप चाहे तो इसके ऊपर भी लगा सकते हैं और इस तरह से प्रेस करेंगे। तो देखेंगे, हल्का हल्का सेंटर दबाएंगे, ये रोटी बहुत ज़्यादा फ्लफी और कितनी सॉफ्ट रोटी बनती है। आप इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। तो हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो देखिए कितनी फ्लफी बन रही है। और थोड़ी देर हम इसे एक साइड से रखेंगे 10 से 15 सेकेंड और फिर हम इसे पलट देंगे। अभी आप रोटी का लुक देखिएगा। तो देखिए, हल्का हल्का सा मैं दबा रही हूँ तो देखिए इस पर फ्लफनेस आने लगी है, रोटी हमारी फूलना शुरू हो चुकी है। तो जब रोटी हमारी फूल जाएगी हम इसे टर्न कर देंगे और ये देखिए, तो देखा आपने कितने मज़े की रोटी बनी है। और इसे दूसरे साइड से भी हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए पका लेंगे। अभी हम आपको ये रोटी दिखाएंगे कितनी सॉफ्ट और कितनी बढ़िया रोटी बनकर रेडी हो जाती है। और हल्का सा आपको इसे प्रेस करना है ताकि ये हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। तो 10 सेकंड हम दूसरे साइड से भी रखेंगे
लो फ्लेम पर। और इस तरह से रोटी हमारी, ये देखिए रोटी हमारी कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई है और कितनी मज़े की रोटी हमारी बन चुकी है। तो अभी हम आपको ये रोटी तोड़ कर भी दिखाएंगे कितनी मज़े की बनती है। और इस तरह से देखिए रोटी का जो कलर है, टेक्स्चर है, कोई भी नहीं बता पाया कि आपने ये रोटी बिना आटा गूंदे बनाई है। और थोड़ा सा घी या तेल लगाने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। तो चलिए अब इसे हम निकालते हैं। रोटी हमारी डन हो गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है रोटी हमारी, ये देख सकते हैं आप लोग करीब से, और बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। अब चलिए हम इसे तोड़कर आपको दिखाते हैं रोटी का फाइनल लुक। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुकी है हमारी ये सॉफ्ट रोटी, देख लीजिए कितनी मुलायम है, कितनी बढ़िया से बनी है। और इस तरह से रोटी आप बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए हमारी रोटी कितनी ज्यादा सॉफ्ट है और कितनी मुलायम है। इस तरह से बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। रोटी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये देखिए रोटी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, कितनी ज़्यादा मुलायम है, और इस तरह से तोड़ने पर बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो इस तरह से रोटी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। इसे आप चाय के साथ, केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, किसी के साथ दिखा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय एंड टेक केयर। रोटी को जरूर इन्जॉय करना, रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय एंड टेक केयर। तो देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छे से पकी है और लंबे समय तक सॉफ्ट रहेगी। बाय।